गर्मियों का महीना है लेकिन कई शहरों में बारिश और ठंडा माहौल है। लेकिन बड़े बड़े स्टार्स इस महीने में वेकेशन पर पानी से खेलने ना पहुंचे तो मजा ही कहां था। कोई मालदीव स्विट्जरलैंड जाता है तो कोई मुंबई या गोवा बीच पर मस्ती करते दिखाई देता है। लेकिन पवन अरुणिता कहां जा रहे हैं, इन्होंने समर वेकेशन को कैसे एंजॉय किया, हम आपको एक झलक दिखाते हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि पवन अरुणिता अभी अभी तो मालदीव इवेंट से लौटे हैं। यहां अरुणिता ने पानी से खेलने में सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। समुद्र में पानी के अंदर चाय नाश्ता भी किया। अरुणिता को ये प्लेस इतना पसंद आया कि उन्होंने खुद से भी वादा कर लिया कि वो साल में एक बार जरूर इस खूबसूरत जगह पर जाया करेंगी और यहाँ के शो को कभी मिस नहीं करेंगी। अब जब अरुणिता मुंबई गोवा बीच पर जाती है तो उन्हें मालदीव की याद आती है और अब मुंबई में तो रोज का उनका काम है, यहाँ उन्हें मजा भी नहीं आ रहा है और वो खुद के लिए टाइम भी नहीं निकाल पा रही। ऐसे में शो के बीच में ही उन्होंने पानी से खेलकर अपने आप को समुंदर वाली फीलिंग दे दी। दरअसल हाल ही में अरुणिता पवनदीप और उनकी पूरी टीम हाउसफुल के सेट पर गई थी। यहाँ इन्होंने कई तरह की मस्ती वाले गेम खेले, कभी एक दूसरे पर गेंद फेंकी, कभी बोरे को पहनकर कूदा तो कभी पूल वाली फीलिंग्स भी दिलाई गई। जी हाँ, शो में पवनदीप अरुणिता को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने को दिया गया और फिर इनसे गाना गाने को बोला गया। फिर इनके सामने लगे माइक से ऐसे पानी के छिड़काव डाले गए जो किसी फुब्बारे से कम नहीं लग रहे थे। अरुणिता बोलने लगी कि ऐसा लग रहा है कि वो स्विमिंग पूल में पवनदीप अरुणिता के चेहरे पर बार बार पानी के छींटे फेंके जा रहे थे जिससे वो गाना गाने से भटक जाए। लेकिन पवन अरुणिता भी कम उस्ताद नहीं है, उन्होंने भी पानी के छिड़काव के बीच जमकर मस्ती की और गाना गाते रहे। अरुणिता कई बार इस गेम में हंसती दिखाई दी। उनकी खुशी देखकर लग रहा है उन्हें ये गेम बहुत पसंद आया क्योंकि अरुणिता को बारिश और पानी से खेलना बहुत पसंद है। अरुणिता कांचीलाल का कोलकाता एयरपोर्ट से जो वीडियो सामने आया उसे देखकर लोग घबरा गए और तरह तरह के सवाल जवाब भी करने लगे। अरुणिता का कोलकाता वाला ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और घबराहट बढ़ती जा रही है। दरअसल कल कोलकाता की क्वीन कोलकाता में लाइव शो करने पहुंची थी। एयरपोर्ट पर जैसे ही अरुणिता दिखी इनके फैंस ने इन्हें घेर लिया, इनसे मिलने पहुंच गए, इनके साथ सेल्फी लेने गए। आखिरकार अरुणिता है कहां की, कोलकाता की, तो कोलकाता में उनका खास स्वागत तो बनता है। गेस्ट ने एयरपोर्ट पर ही अरुणिता को बुके देकर उनका खास स्वागत किया और अरुणिता की हालत देखकर सब पहले ही घबराए हुए थे कि अरुणिता को अकेले देखकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई। कल पवनदीप का भी शो था लेकिन पवनदीप का कोलकाता में शो नहीं था। सबको यकीन था कि पवनदीप भी अरुणिता के संग कोलकाता शो में जाएंगे लेकिन शायद पवनदीप का मुंबई में शो था इसलिए वो अरुणिता के संग एयरपोर्ट पर नहीं दिखाई दी। अरुणिता अकेले ही एयरपोर्ट पर दिखाई दी। अरुणिता के संग दृष्टि भी नजर आ रही है एयरपोर्ट पर। अरुणिता बहुत उदास दिखाई दी। अरुणिता को उदास देखकर फैंस कमेंट करते हुए पूछ रहे हैं कि अरुणिता की फिर से पवनदीप से लड़ाई हो गई है। अरुणिता कांचीलाल ने कोलकाता पहुंचते ही मेकअप रूम से लाइव आकर अपने फैंस को जानकारी दी, उनसे सपोर्ट की मांग की। अरुणिता कांचीलाल की कोलकाता की वीडियो आ चुकी है, कोलकाता की क्वीन को कोलकाता में खास स्वागत भी हुआ। अरुणिता को कोलकाता में जितना सम्मान मिलता है उतना ही सम्मान उन्हें उत्तराखंड में मिलता है। वैसे तो देश भर में अरुणिता पवनदीप के ढेर सारे फैंस से हर जगह उन्हें सम्मान देते, उन पर प्यार लुटाते हैं लेकिन कोलकाता और उत्तराखंड की जब बात आती है तो दिल की घंटियां बजने लगती हैं और यहां का अटैचमेंट कुछ खास है। अरुणिता कोलकाता में अपने पेरेंट्स से भी मिलकर आई होंगी, हालांकि अभी फोटोज नहीं आई हैं लेकिन यकीनन एक एक करके अरुणिता यहां की फोटोज जरूर शेयर करेंगी। मैं आपको बता दें पवनदीप अरुणिता का कह दो का स्टूडियो वर्जन शूट हो चुका है, किसी भी दिन ये बड़ा धमाका देने वाले हैं तो अरुदीप के फैंस तैयार हो जाएं आप इन्हें एक बार फिर से एक साथ देखने के लिए और नए अंदाज में। क्या कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार फिर पवनदीप अरुणिता का प्यार रोमांस, एक दूसरे के प्रति केयरिंग देखने को मिली। पवन के बिना अरुणिता नहीं और अरुणिता के बिना पवनदीप बिल्कुल भी नहीं है। जब पवन को चोट लगती है तो दर्द अरुणिता को होता है और आज हम आपको इस बात का पूरा सबूत वीडियो में दिखाते हैं। इनका प्यार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, भले ही ये छुपा रहे थे लेकिन इस शो में इनका प्यार देखने को मिला। इनका प्यार एक बार फिर हाउसफुल के सेट में देखने को मिला। हाउसफुल सेट पर पवनदीप अरुणिता और इनकी पूरी टीम गई थी और वहां इन्हें शौक दिए गए। पवनदीप माइक हाथ में लेकर गाना गा रहे थे और तभी उन्हें शौक दिए जा रहे थे। बार बार पवनदीप को झटका लग रहा था, पवनदीप उछल रहे थे, कूद रहे थे और चेहरे के अजीब अजीब एक्सप्रेशन दे रहे थे लेकिन माइक छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पवनदीप को झटके पर झटके दिए जा रहे लेकिन पवनदीप गाना गाए जा रहे थे, हार नहीं मान रहे थे। हालांकि पवनदीप को तकलीफ हो रही थी और वो बार बार चेहरे के अजीब अजीब एक्सप्रेशन भी दे रहे थे और जब
पवनदीप परेशान होते दिखाई दिए तो दर्द अरुणिता को हो रहा था। ऐसा हम नहीं बल्कि वीडियो में देखिए कैसे अरुणिता के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, उनके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। बाकी सब पवनदीप का ये हंसमुख चेहरा देखकर हंसे जा रहे हैं, गेम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पवनदीप का दर्द अरुणिता से नहीं देखा गया। और वो डांसर पुनीत पाठक के पास जाती हैं और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि सर ये गेम अब यहीं पर बंद कर दीजिए। उनका हाथ पकड़कर बोलती हैं सर अब रहने दीजिए, पवनदीप को दर्द हो रहा है। पवनदीप के दर्द की पीड़ा अरुणिता के चेहरे पर साफ दिख रही थी, वो पवनदीप को देखकर घबराए जा रही थी, उनके चेहरे से हंसी पूरी तरह से गायब थी। फिर क्या, पुनीत पाठक ने भी अरुणिता की सही वक्त पर सही टांग खिंचाई कर दी। पुनीत पाठक ने कहा कि जैसे ही तुमने टच किया वैसे ही पवनदीप के झटके बंद हो गए। अब इसके बाद तो अरुणिता शर्मा गई और चुप होकर खड़ी हो जाती है। अब ये प्यार नहीं तो क्या है, दोनों का प्यार रोमांस देकर फैंस एक बार फिर इस जोड़ी पर फिदा हो गए और ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं। इनकी इस वीडियो के लिए आप क्या कहेंगे, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब से कुछ ही देर में पवनदीप अरुणिता के उन सीन्स को आप पूरी तरह से देख पाएंगे जिनकी धूम काफी दिनों से सोशल मीडिया पर देखी जा रही है। जी हाँ, हम पवनदीप अरुणिता के हाउसफुल शो के सीन्स की बात कर रहे हैं। हाउसफुल शो में पवनदीप अरुणिता वाला एपिसोड आज रात 10 बजे कलर्स टीवी पर ऑन एयर हो रहा है और उससे पहले पवनदीप अरुणिता के कुछ दिलचस्प फोटो सामने आ चुके हैं और कुछ ऐसे सीन्स होंगे जिसमें एक तरह से पवनदीप अरुणिता पर टॉर्चर किया जाएगा। तो चलिए बताते हैं हम आपको पवनदीप अरुणिता पर इस शो में कैसा टॉर्चर किया गया। दरअसल हुआ ये कि पहले तो शो में अजब अजब गेम खेले गए, शॉक दिया जाता है, नेहा कक्कर रोहन और पूरी टीम झटके की वजह से कूदते दिखाई दे रहे हैं, पवनदीप भी झटके के साथ गाना गाते हैं। उनका ये अंदाज देखकर सबके सब हंसी से लोटपोट भी हो गए। उसके बाद हिमेश रेशमिया की भी एंट्री हो जाती है। हालांकि अभी तक आपने किसी भी फोटो वीडियो में हिमेश रेशमिया को नहीं देखा होगा, लेकिन आज के एपिसोड में आप हिमेश रेशमिया को भी देखेंगे। दरअसल उनकी एंट्री एक ट्विस्ट के साथ होती है, वो ऐसा कि सेट पर असली के हिमेश रेशमिया नहीं आते हैं बल्कि उनका डेमो आता है, किसी और को हिमेश रेशमिया बनाया जाता है। वो नकली के हिमेश रेशमिया जब हिमेश रेशमिया की एक्टिंग करते हैं तो पवन अरुणिता ना तो हंस पाते और ना ही हंसी रोक पाते, क्योंकि सीनियर्स का मजाक भी नहीं बना पाते। और जब हिमेश रेशमिया अजीब अजीब हरकतें करते हैं तो वो सब देखकर पवनदीप अरुणिता अपनी हंसी कंट्रोल भी नहीं कर पाते। साइली निहाल तो मुंह पर हाथ रखकर बुरी तरह हंसते नजर आए, तो वहीं पवनदीप अरुणिता का बुरा हाल हो गया। अरुणिता की बात करें तो ओ माय गॉड, अरुणिता ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी, बिजलियां गिरा दी जब हाउसफुल के सेट पर अरुणिता का ग्लैमर अंदाज देखा गया, जिसमें आप अरुणिता पवनदीप और उनकी पूरी टीम को मस्ती करते आज रात देखेंगे। अरुणिता के लुक की खूब चर्चाएं हो रही है, अरुणिता का ये डेनिम लुक बहुत पसंद किया जा रहा है।